मैं हूँ आशीष और आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही खास वीडियो है। आप इसको प्लीज पूरा इस वीडियो को आप देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक ऐप से और एक वेबसाइट से आप घर में बैठे बैठे आप किसी का भी फोन को आप टैग कर सकते हैं। टैग का मतलब कि उसने कहाँ बात किया, इसको चैटिंग की। और ये जो ऐप मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इससे आप जान सकते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड एक आपको धोखा तो नहीं दे रही, जो आपका बॉयफ्रेंड है वह कहीं आपसे फेक लव तो नहीं कर रहा है, और जो आपके बच्चे हैं वे आपके बच्चे आपकी गैर हाजिरी में कहीं और किसी से बात तो नहीं कर रहे हैं जिससे उनको बात नहीं करनी चाहिए, और किसी से चैटिंग तो नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और बच्चों पे आप मोनिटाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप लोग ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको यहां से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहूंगा जिससे आपको जानकारी काफ़ी अच्छी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा ऐप है और एक उस ऐप का एक ऐसा वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों और अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर आप मोनिटराइज कर सकते हैं कि वे आपकी अब्सेंटी में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, का मतलब कि वे किससे बात कर रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं। तो आप उनको रोक सकते हैं अगर वे गलत भटकते हैं या कोई ऐसा करने जा रहे हैं जो ठीक नहीं है, तो आप उनको उसी समय रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना एंड्रॉयड जो फ़ोन है वे आप ऑन कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने अपना फ़ोन ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद आपको सीधा जाना है सेटिंग में, जाना है आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। तो मैंने फ़ोन की सेटिंग ओपन कर ली है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी में, जाना है, ठीक है, ये आ गया सिक्योरिटी आ गया। इसके बाद आपको जाना है, आपको उसमें लिखा होगा अननोन सोर्सेस करके एक टैब दिया होगा, उसको आपको क्लिक कर देना, ठीक है, इसको ओके कर देना। आपको ओके के बाद फिर आप जाएंगे बैक, जाएंगे फिर बैक जाएंगे आप। उसके बाद अगर आपके पास एंड्रॉयड 5.0 है, लॉलीपॉप वाला है, तो आपको जाना पड़ेगा एक और इसका अंदर से भरती सेटिंग होती है, तो सेटिंग का नाम है गूगल सेटिंग के नाम से भी सेटिंग है, उसके अंदर भी आपको जाना होगा, सिक्योरिटी के अंदर जाना होगा, ठीक है। सिक्योरिटी के अंदर जाते ही आपको सबसे जो एक सेकंड लास्ट ऑप्शन है वेरीफाई एप्स करके है, स्कैन डिवाइस फॉर सिक्योरिटी थ्रेट्स करके एक ऑप्शन दिया है, इसमें टैब का ऑप्शन दिया है, इसको आपको बंद कर देना है, ठीक है। बंद करने के बाद फिर आपको जाना है जो आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वहाँ जाना है। तो मैं जैसे कि ज़्यादातर क्रोम ही यूज़ करता हूँ, तो मैं क्रोम पे चला गया। क्रोम के जाने के बाद जैसे कि मैंने पहले ही उस वेबसाइट की नाम टाइप कर रखा है, android.trustspy.com के नाम से उनकी वेबसाइट का नाम है। इस अगर आपको ये लिंक नहीं मिलता है तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख के ओपन कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि जो फर्स्ट इसका है मैंने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, उसका पेज खुल जाएगा, डाउनलोडिंग वर्जन 7.110, आपको इसको डाउनलोड करना है आपको। मैंने क्लिक कर दिया डाउनलोडिंग के लिए, इसको ओके कर दीजिए आप। रिप्लेस मलिक मैंने ऑलरेडी एक बार किया था तो मैंने उसको करके रिप्लेस कर दिया। तो ये दिखा रहा है हो गया, डाउनलोडिंग हो गया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर इंस्टॉलेशन पे जाएंगे आप इसको।
तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेगा, बस थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन या अभी अंडर प्रोग्रेस है। जैसे ही आएगा फिर आप इसके ऐप के मेन्यू में आप चले जाएंगे। ये ऐप हमारा इंस्टॉल हो गया है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको करेंगे नेक्स्ट करेंगे। अब इसमें देखिए दो दे रहा है, लॉगिंग अकाउंट दे रहा है और रजिस्ट्रेशन न्यू अकाउंट दे रहा है। अगर आप लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन उसका कर सकते हैं। तो ये सिंपल से स्टेप है, कोई नहीं, बस उसमें आपको मेल आईडी डालना है और जो आपका पासवर्ड जो आप क्रिएट करना चाहते हैं वही डालना है। ये सब जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ ये स्टेप आपको उस फ़ोन में करना है जिस फ़ोन की आप जासूसी करना चाहते हो, ठीक है। चाहे आप अपने बच्चे के फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, या अपने गर्लफ्रेंड के फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, या बॉयफ्रेंड के फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर आपको उनका फ़ोन कुछ मिनट के लिए आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। बिना लिए आप नहीं कर सकते हैं उसको इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो सपोज़ करो कि मैंने किसी और का फ़ोन ले रखा है किसी काम से, तो मैं उसके फ़ोन में जाके ये ऐप जो है वह डाल देता हूँ, इंस्टॉलेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ही अकाउंट एक बना रखा है, सिंपल से स्टेप है, आप लोग भी आराम से बना सकते हैं, कोई मेरे हिसाब से कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं सीधा जाता हूँ लॉगिन अकाउंट पे जाता हूँ। लॉगिन अकाउंट के बाद आपसे भी पूछता है उसके जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं, तो मैं इसको एग्री कर देता हूँ। उसके बाद आपकी जो आईडी बनी है वही आप इसमें डालिए, तो मैं अपनी आईडी डाल देता हूँ जो मैंने बना रखी है। उसके बाद जो आपका पासवर्ड है वह आप पासवर्ड डालिए। तो मैंने जो इसका पासवर्ड जो मैंने लॉगिंग समय उस टाइम जो मैंने बनाया था जो अकाउंट क्रिएट के समय मैंने वो डाल दिया है। फिर आपको सीधा जाना है लॉगिंग अकाउंट पे। चल रहा है आपका, ये आपका लॉगिंग हो गया इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा हुआ तो प्रोसेस हुआ था, थोड़ा लेट हो गया है। तो उसके बाद जैसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपका लॉगिंग हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा कि आपके पास दो ऑप्शन आएगा। एक आएगा आपका हाइड आइकन करके आएगा। तो इससे ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप है, अगर आप नहीं चाहते हो कि जो आपने ऐप उसके मोबाइल में डाला है, किसी के मोबाइल पर डाला है, चाहे आपका आपके बच्चे हो, चाहे आपके गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, आप नहीं चाहते कि उसको ये पता चले कि मैंने उसके फ़ोन में ये ट्रस्ट स्पाई नाम से एक ऐप डाला है और वो इसको अनइंस्टॉल ना कर दे। अगर उसने अनइंस्टॉल कर दिया तो आप उसको ट्रैक नहीं कर पाए, आप उसका ट्रैक नहीं कर पाओगे, उसके पूरे कॉस्ट डिटेल हो गया, SMS हो गया, WhatsApp की चैटिंग हो गई, URL ब्राउजर हो गया, मैंने तो कौन कौन सी वेबसाइट को ब्राउज किया है, यानी कि बहुत सारे फीचर हैं जो आप नहीं कर पाओगे अगर उसने अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो इसको आप यहाँ से क्लिक करिएगा। क्लिक के बाद आपको इसमें देखिए ये आ रहा है कि ये जैसे मैं यस करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। हाइड होने के बाद आपका ये आपका कोड है #2013*। जैसे ही आप फ़ोन के डायलर में जाएंगे, जैसे ही आप ये कोड डालेंगे, ऑटोमेटिक ये आपका जो ऐप है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हाइड करना है तो उसको यस कर सकते हो, अगर हाइड नहीं करना तो नो कर सकते हो। तो मैं इसको नो पे करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम फिर अभी आएंगे सीधा अपनी वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट पे हम डालेंगे उस वेबसाइट का नाम, ठीक है। अभी अभी क्या है कि फ़ोन जैसे कि आपने उसको दे दिया, अब हमको ट्रेस करना है कि उसने किस उसको कॉल किया, किसको मैसेज किया। तो हम उसकी जाएंगे वेबसाइट पे जाएंगे,
ये आ गया androidtrust.com नाम की उनकी वेबसाइट है। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन जो है वे आपके वे अपने लिंक में डाल दूंगा। हम यहाँ से कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। थोड़ा मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा होगा, थोड़ा ये 2 दिन से आ रही प्रॉब्लम आ रही है। ये उन लोग की पेज खुल गई, जो उन लोग का वेबसाइट का पेज है वो खुल गया है। यहाँ से यहाँ पे आने के बाद फिर आपको जाना होगा साइन इन के ऑप्शन में। जैसे ही आप करेंगे साइन इन क्लिक करेंगे फिर उनका साइन इन का जो पेज है वो खुल जाएगा। इसमें जो आपने मोबाइल में जो डाला था यूजर आईडी और पासवर्ड वही इसमें डालना, ठीक है? तो वही मैं इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, डालने के बाद फिर आपका जो था पासवर्ड भी डालेंगे इसमें। पासवर्ड डालने के बाद आप करेंगे इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद आप देखिए ये उसकी पूरी आ गई समरी आ गई, जो उस फोन की जिस फोन में आपने वे ऐप डाल रखा था, ठीक है, उस फोन का मॉडल नंबर ये था, पूरा उसमें आ जाएगा। और इसका लास्ट जो इसका लास्ट अपडेट है वो ये है, ये देखिए शुक्रवार का 11 नवंबर का 2016 का 10:20 पूरा टाइमिंग के साथ वो देता है पूरा। इसमें देखिए इसमें 3 दिए हैं, एक दिया है स्टैंडर्ड दिया है, एक प्रीम दिया है, एक गोल्ड दिया है। तो जो फ्री वाला है वे ये 4 आइटम है। तो जैसे कि आपको उसको चेक करना है कि भाई उसकी एसएमएस उसने कहाँ कहाँ किया, तो जैसे ही आप एसएमएस पे क्लिक करेंगे वो पूरा आ जाकर डिटेल आएगा, भाई उसने एसएमएस यहाँ से किया, यहाँ से भेजा और रिसीव किया और सेंड किया, तो ये पूरा डिटेल इसमें आ जाएगा रिसीव, ठीक है। इसके बाद आप कॉल हिस्ट्री का भी चेक कर सकते हैं कि भाई उसने कहाँ कहाँ कॉल किया, कहाँ कॉल नहीं किया, ये पूरा इसमें डिटेल दे देगा, टाइमिंग के साथ दे देगा। उसके बाद फिर आप जो जीपीएस हिस्ट्री है मीन्स वे कहाँ कहाँ गए वो पूरा मतलब कि आपको उसमें शो हो जाएगा। जो आप रेड वाला शो होगा वे वही बंदा होगा। तो फिलहाल तो मैं जीपीएस अपना हमेशा ऑफ करके रखता हूँ, तो इसलिए अगर मैंने हर जगह ऑन किया होगा तो पूरा इसमें आपको टेस्ट किया हुआ आपको दिखाता हर जगह, ठीक। उसके बाद फिर हम इसके आ जाते हैं माई डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद ये देखिए ये जो प्रीमियम में क्या है कि आप पूरे इसका जो भी आप चेक करना चाहते हैं, चाहे उसका यूआरएल हिस्ट्री हो गया, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो गया, फोटोज हो गए, व्हाट्सएप का हो गया, वाइबर हो गया, फेसबुक हो गया, जो भी आप चाहते हैं आप यहाँ से बिना उसके पते हुए आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो गोल्ड प्लान है गोल्ड प्लान में भी उससे भी ज़्यादा आप उसमें फैसिलिटी आपको मिल जाती है, जैसे कि नोट्स मैंने उसने क्या क्या नोट्स बनाए, विस्ट्री जो वीडियो की उसने क्या क्या देखा और कौन कौन से वीडियो हैं वो पूरे वॉइस मेमोज का, मतलब कि बहुत सारे आपको इसमें फीचर मिल जाएंगे। मगर आपको प्रीमियम और गोल्ड के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे। तो कितने पे करना है हम एक बार चेक कर लेते हैं कि प्राइम और इसका क्या रेट है, ठीक है। तब ये देखिए ये प्राइम और गोल्ड के रेट्स, आप स्टैंडर्ड प्राइम और गोल्ड के आप रेट आराम से देख सकते हैं कितने कितने का है। अगर आप को चाहिए तो आप यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो था कि आप इसमें जान सकते हैं कि आपके बच्चे किससे बात कर रहे हैं और आपकी जो गर्लफ्रेंड है वे कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रही है, चाहे आपका बॉयफ्रेंड है वे कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहा है। तो इस ऐप के ज़रिए आप हर चीज़ पता कर सकते हैं जो पहले आप नहीं कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हमको हमेशा एडवांस ही रहना होता है। तो आप ये ऐप पक्का अपने फ़ोन में इंस्टॉल मीन्स अपने फ़ोन में नहीं, आपको जिसकी जासूसी करनी है या जिसका आपको फिक्र हो जिसके लिए, जैसे कि हमारे जो करीबी होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा बेटा हो गया बेटी हो गई, तो आप उनके फ़ोन में ये इंस्टॉल कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि
वे किससे बात कर रहे हैं, किससे बात नहीं कर रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं, हर एक चीज़ जो आप जानना चाहते हो आप इस ऐप के ज़रिए और इनकी वेबसाइट के ज़रिए आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक को और इंटरेस्टिंग नॉलेज के ऊपर आप लोग के लिए वीडियो लाते रहूँगा, जिससे आपकी लाइफ में जो परेशानियां हैं थोड़ी बहुत कम हो जाए। तो इसी के साथ दोस्तों, ये मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो और एक अच्छी जानकारी के साथ। और दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।